बिग बॉस सीजन 18 के वीकेंड के वार पर आई हिना खान ने लिया घर में सबसे बड़ा फैसला। घर वालों को दिया पानी का टास्क, आखिर कौन है किससे सबसे ज़्यादा जेलस, हिना ने किया बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट का बड़ा खुलासा। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, हिना खान आ चुकी हैं वीकेंड के वार पर, और इस वीकेंड के वार पर सिर्फ और सिर्फ हिना खान घर वालों को क्लियरिटी और रियलिटी से रूबरू ही नहीं करवाएंगी। हिना खान लेकर जाएंगी इविक्शन वाले कंटेस्टेंट को, किसका होगा घर में एलिमिनेशन। हिना खान लेंगी सबसे बड़ा फैसला। तो बिग बॉस के घर में जहां एक तरफ तो सलमान खान ने एक एक करके समा बांध दिया और सभी की रेल बना दी है, क्या रजत दलाल हो, क्या दिग्विजय सिंह राठी, विवेन दिसेना, करणवीर मेहरा और शिल्पा का लिया पक्ष, लेकिन अब हिना खान बिग बॉस के घर में पहुंच गई हैं कंटेस्टेंट के पास। हिना ने सबसे पहले जाकर कहा कि मैं यहाँ पर एक टास्क दूंगी और इस टास्क का नाम है जलन टास्क। कौन किससे ज़्यादा जलस है, कौन किससे जलता है, ये एक एक करके कंटेस्टेंट आएंगे और अपने जलने वाले इंसान पर पानी डालेंगे, जिसके बाद ये बात प्रूव होगी कि कौन किससे सबसे ज़्यादा जेलस है। और यहाँ पर मैं आप लोग को एक बड़ा सरप्राइज़ भी देने वाली हूँ, या फिर ये समझ लो कि ये बड़ा झटका होने वाला है। किसी भी एक कंटेस्टेंट को मैं लेकर जाऊँगी आज अपने साथ और वो हो जाएगा घर में एलिमिनेट। तो हिना खान ने सबसे पहले बुलाया रजत दलाल को और रजत दलाल ने बुलाया दिग्विजय सिंह राठी को। दिग्विजय सिंह राठी को लेकर रजत ने कहा कि ये भाई है, ये भाई था मेरा, मैं इसको भाई मानता था, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया है, ये मेरे से सबसे ज़्यादा जलन महसूस कर रहा है, इसलिए आज ये करणवीर मेहरा की गोद में जाकर बैठ गया है। तो मैं दिग्विजय सिंह राठी को कहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा जलता है मुझसे, क्योंकि उसे पता है कि रजत दलाल जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इस घर में रजत को किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भाईचारा निभाना नहीं जानता तो मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद रजत दलाल ने पानी डाला दिग्विजय सिंह राठी पर, और उसके बाद हिना खान ने बुलाया करणवीर मेहरा पर। जाहिर सी बात है, करणवीर मेहरा ने एक बार फिर निकाला है अपना बदला और लिया है अविनाश मिश्रा से जलन टास्क में सबसे बड़ा बदला। दरअसल हिना खान ने करणवीर मेहरा को बुलाया और करण से पूछा कि करण, तुम्हें क्या लगता है कि कौन इस घर में तुमसे सबसे ज़्यादा जेलस है। करणवीर ने कहा कि वैसे तो इस घर में बहुत लोग को मैं पसंद नहीं आता हूँ, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरी नज़र में तो अविनाश मिश्रा है, क्योंकि अविनाश को मैंने पहले दिन से दुश्मन बोला है और वो हमेशा से ही मेरे से जलता है, इसलिए वो विवेन के साथ जाकर चुगलियां करता है और मेरे पीठ पीछे कई बार मेरे ग्रुप को भी तोड़ने की कोशिश करता है। ये लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह राठी को मैं हैंडल कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दिग्विजय टाइम गॉड है और दिग्विजय खुद ब खुद ये बात समझ सकता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जिसके बाद करणवीर मेहरा ने पानी डाला है अविनाश मिश्रा पर, इसके बाद हिना ने बुलाया अविनाश को और अविनाश ने निकाला करणवीर मेहरा से अपना बदला। करणवीर मेहरा पर आरोप लगाए कि ये पर्सनल हो जाता है, ये पर्सनल टारगेट करता है मुझे, इसने कहा था कि ये एक महीने से ज़्यादा किसी भी शो में नहीं टिकता, लेकिन ये रियलिटी है कि इसके खुद भी रिश्ते कोई भी क्लियर नहीं है, ये चुगली आंटी है, घर का चुगली आंटी, यहाँ की बातें वहाँ करता है। और जाकर शिल्पा जो कि बार बार इसको डिक करती है, लेकिन शिल्पा के पास जाता है, फुटेज का भूखा है करणवीर, इसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं तो मेरी बस चले तो मैं इसे घर से बेघर कर दूँ। अविनाश मिश्रा ने पानी डाला है करणवीर मेहरा पर, और इसके बाद आई चाहत पांडे ने निकाला विवेन दिसेना से बदला। विवेन को लेकर चाहत ने बोला कि विवेन जो है वो मेरे से जेलस फील करता है, वो मेरे से जलता है, विवेन दिसेना के मन में भी मेरे लिए एक प्यार है, लेकिन वो नहीं दिखाना चाहता है, इसलिए मैं यहाँ पर पानी डालना चाहूँगी विवेन दिसेना पर। और जिसके बाद चाहत ने निकाला विवेन से बदला। हिना खान ने इसके बाद नेक्स्ट कंटेस्टेंट के नाम लेते हुए विवेन दिसेना को बुलाया और विवेन ने यहाँ पर पानी डाला है चाहत पांडे पर। चाहत पांडे को लेकर हिना ने कहा कि चाहत पांडे को लेकर विवेन ने कहा कि हिना खान जो है वो मेरे से बहुत ज़्यादा जेलस फील कर विवेन दिसेना ने इसके बाद चाहत पांडे को लेकर कहा कि चाहत जो है वो मेरे से जेलस फील करती है, मेरे से ऑब्सेस्ड है चाहत, बार बार वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से मेरे पास आती है और आरोप भी मेरे पे ही लगाती है। जिसके बाद चाहत पांडे पर विवेन ने डाला है पानी और विवेन ने निकाला है अपना भड़ास। इसके बाद नंबर आया है शिल्पा का और शिल्पा ने रजत दलाल को मुहरा बनाया। शिल्पा ने कहा कि रजत दलाल बदतमीज़ है, इस घर में रहना डिज़र्व नहीं करता, अगर मेरा बस चले तो मैं रजत दलाल को इस घर में नहीं रहने दूंगी। जिसके बाद शिल्पा ने पानी डालकर रजत दलाल की घमंड को चकनाचूर कर दिया है। हिना खान ने एक एक करके सभी कंटेस्टेंट को बुलाकर ये बात प्रूफ कर दिया है कि कौन किससे जलता है, कौन किससे
जेलिस फील करता है। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह राठी ने कशिश कपूर से बदला निकाला और कशिश कपूर ने निकाला है दिग्विजय सिंह राठी से बदला, वही पुरानी बात, वही पुरानी कहानी कि शो में जो किया था, पुराने शो में जो हुआ था, उसी का बदला निकाला जाएगा। जिसके बाद हिना खान ने लगाई है करणवीर मेहरा की क्लास और करण को कहा, करण क्या तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं है, क्या तुम इतने ज़्यादा नीचे गिर चुके हो। वो करण को मैं जिस करण को मैं जानती हूँ, वो करण मुझे लगता है कि इस शो में नकली बन चुका है, बनावटी बन चुका है। तुम्हें रिश्तों की परिभाषा नहीं समझ में आ रही है क्या, क्योंकि बार बार शिल्पा जो है वो तुम्हें छोड़कर विवेन को चूज करती है, बावजूद उसके तुम शिल्पा के प्रति एक इमोशनल हो जाते हो, तुम बार बार सिंपत्ति दिखाते हो शिल्पा को, तुम अपना स्टैंड क्यों नहीं लेते हो। और अगर तुम इस तरीके से करोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारा गेम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। वेकअप करण, वेकअप। जिसके बाद हिना खान ने वेकअप कॉल दिया है करणवीर मेहरा को और हिना खान ने विवेन दिसेना की तारीफ की है कि विवेन ने पूरे ग्रुप में, बाद में भले ही विवेन तुम इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हो, लेकिन आज भी ये ग्रुप जो है वो अब तुम्हारे नाम से जाना जाता है, यानी कि तुम इस ग्रुप को लीड कर रहे हो। अविनाश मिश्रा को साइडलाइन करके ईशा और एलिश पर भी राज कर रहे हो तुम, तो विवेन दिसेना तुम्हें जरूरत है कि तुम एक्टिव हो जाओ। फिलहाल के लिए तुम एक्टिव हो, लेकिन तुम जो हो वो ओपिनियन से घबराते हो, तुम अपने ओपिनियन नहीं देना चाहते हो और ओपिनियन से बच कर निकलना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ये बातें पता होनी चाहिए विवेन की ये बिग बॉस का घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ पर अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारे ओपिनियन को ही गलत समझा जाएगा। तू ओपिनियन रखने के लिए ये शो जाना जाता है, तो तुम अपने ओपिनियन रखो और डंके की चोट पर रखो। हिना खान ने यहाँ पर कहा कि अब ये टास्क पूरा हो चुका है, सभी की क्लास लग चुकी है, जिसको रियलिटी चेक देना था हिना ने दे दिया है। अब यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करूँगी, जिसका नाम लूँगी, वो होंगे शो से एवेक्ट और उसका होगा आज ही आखिरी रात बिग बॉस के घर में। जिसके बाद हिना खान ने नाम लिया एलिश कौशिक का। सबको पता था कि एलिश कौशिक जो है वो इस वीकेंड के वार पे एवेक्ट होने वाली है, क्योंकि कशिश कपूर को बचाने के लिए दिग्विजय का सहारा लिया था बिग बॉस ने, इसके बाद विवेन और अविनाश का सहारा लिया, लेकिन किसी ने भी एलिश को बचाने की कोशिश नहीं की। जिसके बाद अब अनाउंस कर दिया है हिना खान ने कि एलिश कौशिक जाएगी इस आज के दिन मेरे साथ घर से बाहर। फूट फूट कर रोने लगी ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा भी हो गए इमोशनल। वेल, आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, क्या आपको लगता है कि हिना ने ये जो भी टास्क कराया है, हिना ने जो भी बातें बोली हैं वो फेयर था, या फिर हिना ने भी बिग बॉस के ही राग अलापे हैं, बिग बॉस के ही बायस ने इसको दिखाया है। मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।